मैं चलती हूँ। और हाँ, छुट्टी होने के टाइम जल्दी आ जाया करो, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा है मुझे। जो हुकुम मेरे सरकार। ठीक है, जा ध्यान से पढ़ाई करियो, बाय। कोई भाई होता जो परवीन की तरह हमें भी छोड़ने आया करता। फिर तू ये बात मेरे से क्यों कह रही है? अगर यही बात तूने अपने माँ बाप से कही होती तो अब तक कुछ ना कुछ इंतजाम हो गया होता। यू शट अप। परमिला एक बात बता, तू हमेशा लेट क्यों आती है? मेरी छोड़ो, आजकल तो शताब्दी और राजधानी भी लेट आती है। अरे उनके इंजन खराब है, कभी हमें मौका दे के देख, अपनी मोटरसाइकिल पे तुझे और तेरे साथ जितने डिब्बे है ना उन्हें टाइम पे ना पहुंचा दूं तो मेरा नाम परवीन नहीं। शक्ल देखी है अपने आईने में? सुसरा पहले आईना तो मिले। लगता है परवीन तुम्हारी बहन से शिकायत कर रही। ऐसा जुलम मत कर दिए, प्यार मोहब्बत में झगड़ा ठीक नहीं। मोहब्बत और तुमसे? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ ना उस पे तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ मरती हैं, समझे क्या? अच्छा जरा मुझे भी बता दे कौन है वो। नाम और खानदान का पता चलते ही सबसे पहले तुम्ही को बताऊंगी। बाय। कहना मान ले मेरी जान कि मेरा दिल है परेशान। तू कहना मान ले मेरी जान कि मेरा दिल है परेशान। और न मुझको सता, मुझे दिल देती जा, मेरा दिल लेती जा, मुझे दिल देती जा, मेरा दिल लेती जा।
छबीली छोरी, तू आ बाहों में आ मचल के दूर न जा, तू आ बाहों में आ मचल के दूर न जा, और न मुझको सता मुझे दिल देती जा, मेरा दिल लेती जा, मुझे दिल देती जा, मेरा दिल लेती जा। रोज नहीं आते, और वैसे भी आज मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो भैया उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तुम भी रोजाना कोई ना कोई बहाना बना रहे थे। चलो बैठो। जैसे कि तुमने प्रैक्टिकल किया था मेंढक के ऊपर, आपने देखा होगा कि मेंढक के अंगों में और मानव के अंगों में आपस में कितनी समानता है, कितने मिलते जुलते। मैं तो ये कहूंगा कि यदि सृष्टि में मेंढक ना होते तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन भी ना होते, और होते भी तो प्रैक्टिकल भी इंसानों पर ही होते। बिल्कुल सही बात है। हेलो हेलो मैडम, गार्ड को तुम पढ़ो, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी मैं पढ़ लियो कभी कुदान मारते फिर। मैं नहीं मानता, मेंढक और इंसान एक जैसे होते हैं। क्यों सर ने बताया अभी अभी? सर का बताने से क्यों होवे, मेंढक और इंसान एक जैसे होते तो औरत ही मेंढक की तरह अंडे रखती। रे धरती धकेल, पाठक साहब ने मेंढक और इंसान एक जैसे ना बताए, बल्कि उनके अंदरूनी अंग एक जैसे बताए। कमल चलो तुम्हारी बात बड़ी गरी, पर नु बताओ मेंढक के अंडे रखे ने? हाँ रखे। औरत क्यों ना रखती? अब तेरी जुबान जोरी से कुछ होवे, औरत के बच्चे होवे, होवे के नहीं होवे? होवे। फिर भी औरत एक कुछ नम देवे और मेंढक देवे घने सारे अंडे। अरे बेवकूफ, कदी कदी औरत का भी तो जुड़वा बच्चे होवे, जैसा तुम दोनों भाई हो। खबर क्यों सर, जब नर्सरी क्लास है सर? ये दोनों काफी टाइम से बदतमीजी कर रहे हैं, औरत और मेंढक को लेकर। क्यों रे, क्या कह रहे थे? ये बताते क्यों नहीं सर को? बहुत देर शर्मिंदा कर रहे थे सर ये लोग। मैडम प्रमिला, मैंने सब सुन लिया। हाँ भाई एक बात तो बताओ, तुम इन लड़के ने शर्मिंदा करके बड़े अपने अपने किस्मार बना लो कड़ा गया कर लो। जी सर। बता,
तू बता के जाने तो उसके बारे में। सर अभी के पता, यो तो ब्याहन के बाद ही पता पड़ेगी। देखा आपने, मैं आज इनका ज्यादा बोलने छुटा दूंगा। खड़ा जरा आवाज अब रे, किधर है तेरा, खड़ाओ। क्यों सो रहा था? गुरु जी रात पानी बुलाया था। पानी को मेरे खेत में बुलाया? अरे गुरु जी क्या करूं, अब ना सोने का गुरु जी। बैठ जा, तू अब कहाँ के सोगा, कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद खा ली। बाबर गुरु जी बैठ जाऊं? बैठने को लिख दिया तू या बैठ जा। देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गधे, कहीं के कहीं के क्या साले, सब यही के हैं और कहीं के नहीं है। प्रयास सुनिए, खड़ा हो जिंदा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम, मेरा पता मास्टर जी। राम मुझे तेरा नाम याद रखू मैं? मेरा नाम है महबूब ठेका। महबूब ठेका, नाम भी तो ऐसा सा रखा जो लड़की अभी महबूब ही महबूब करती फिर। इसके मास्टर जी इसके धोए है दारू का ठेका। बूंदी सकल से बहुत बोल लिया यू। सर एक पीछे लग बैठ, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ कर सीट पर बैठ। कहा तेरी सीट? अपने घर से ला दे तुम्हारा सीट भी, तू जा रहा बता लियो इसे, कोई से बता लो इसे, मैं सैडी हूँ। अभी ये बताओ लड़कियां सलवार के नीचे कितने, तू बड़ा जा कर लो बता। बता चुप क्यों खड़ा है? सर जी तुम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं दिन भर और तो भी देखो फिर हो जाऊं। सारे निकम्मे बैठ जा, खबर बस वहीं से बता दे मेरे सिर पर चढ़ेगा। हाँ मैंने टीवी में देखा था, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, नीचे से बैठ जा जाके बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ बोले जाकर हटा हंसते रहते हो। शायरी में बता दो सर जी। क्यों नहीं सर, आप भी खुशबू ले लीजिए चमन की बहार के नीचे, और लड़कियां चप्पल पहनती हैं सलवार के नीचे। देखा बस्तविजा, तुम अपने आप को तो धोखा दे रहे हो, अपने साथ साथ अपने घरवालों को भी धोखा दे रहे हो। जाना था तुम्हारी पढ़ाई से, चूल्हे पर पानी में डूब मरो। जवाब दिया कि सबकी छुट्टी हो गई। ये तो गई कम से।
काम तो ही गया था मैं, और क्या हुई तेल फूकता अंडे जाऊं। जिप तेरे तनु कह रहे थे सारे काम छोड़ के पहले छोरी को ले आया था, क्यों नहीं गया भाई तूने? देखे के टाइम हो रहा। हाँ इबलो धरियो कॉलेज में, देखो के टाइम हो रहा, आली होगी कदे की, तुम भी घरे चलो, बिजली आ जाए जब आ जियो। जान कानता है कमल
मेरी जान कानता है, कमल मेरे दिल की धड़कन। अपना छूटे अरे जन्म जन्म का साथ अपना कोड़े से ना टूटे। हाँ झुक जावेगी दुनिया सारी साथ ना अपना छूटे। रब ने बनाई अपनी जोड़ी हो, रब ने बनाई जोड़ी अपनी, कैसी ये उलझन। सब मान लिया तुझको, जान कानता है कमल मेरे दिल की धड़कन। मेरी जान कानता है कमल मेरे दिल की धड़कन। मेरी जान कानता है कमल मेरे दिल की धड़कन। तू मेरी जान कानता है कमल मेरे दिल की धड़कन। ये जा रही है छोरी, ए थोड़ी सी देर रुक जा, परवीन आ जाओगे तुझे छोड़ जाओगा। नहीं नहीं, मैं छुट्टी के पीछे और देर हो जाएगी भैया, पहले तो लेट करे। अरे ना दादा ना, भैया पहले तो लेट करे और फिर जल्दी के पीछे मोटरसाइकिल तेज चलावे, मुझे तो बहुत डर लगे। मैं जा रही हूँ बापू। हाँ हाँ हम न जावेंगे स्कूल, तेरा टाइम भूलिया पहले। क्यों, तू तो गाँव की दौड़ में जावे, मुझे वहाँ तक जाने में टाइम ना लगे। अच्छा मैं तो बेटा दौड़ के उड़ के जाऊँ। स्कूल पास में ना आए तुमने सिर पर चढ़ा रखी है। जा जा तू जा, मर गए भाई के गड़े सही हो भाई। तन तन सी बात पे छोरी लड़ो जा आपस में, ज्यादा जुबान न चलाया करते, नू देख लिया कर तेरे से बड़ी है वो। अच्छा भाई तू ही बड़ी है। तू ही बड़ी बुढ़ी रह रही है तो इस घर में हमारी बात। नहीं नहीं सब मुझे डांटो, छोटी हूँ ना। अरे मर गए भाई। अरे अच्छा जा जा मेरी माँ जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। लो चाय पी लो। हाय कांता, कैसी हैं? आई एम फाइन। वैसे कल तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम सारे कॉलेज में सबसे अलग हो। शुक्रिया। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे दिमाग की कायल हो गई हूँ। कायल हो गई हो या घायल हो गई हो? कमल कुछ कहा तुमने? नहीं। हाय कमल। हाय। कैसी हो परमिला? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ? कहाँ लगे पड़े हो? परमिला तुम भी ना कमाल करती हो। कमाल तो तुम करते हो कमल, कल क्लास में सर के क्वेश्चन का आंसर देकर तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। चलो इसी बात से खुश होकर हम तुम्हें टी पार्टी देते हैं। सॉरी परमिला, तुम्हें तो पता है ना मैं चाय नहीं पीता। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम चाय नहीं दूध पीते हो, वो भी निप्पल वाला। क्लास में चले? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो कांता, चलो क्लास में चलते हैं। मैं
है। उर्मिला तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। वो क्या समझती है इतनी आसानी से मेरी जगह ले लेगी कमल। गुड मॉर्निंग सर। अरे बैठ जा। भी कहते हैं ये नीचे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। बच्चों आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है? जो मैं बताऊं समझाऊं उसे अपनी डायरी में नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये किडनी का डायग्राम, ठीक है? ये इसकी बाह्य लेयर होती है, ये कॉर्टेक्स होता है, ठीक है? जो फिल्ट्रेशन पे काम करता है, ये मेडुला है, ठीक है? ये जो है, यहाँ से जो नली जो गई है, यूरेटर है। कौन था? क्या करेगा तू? नोट को लेके चलाओ। मैंने कहा इधर दिखाओ। सर आपने जल्दी बुलवा लिया, थोड़ी देर और ना बुलवाते तो इस पर नाम भी लिख गया होता। कौन था? आज के बाद अगर कोई ऐसी गलती करी तो पुलिस नाम काट दे जाएगा। जाइए बैठे अपनी सीट। अगर आज के बाद फिर कोई गलती ऐसी करी तो याद रखना कॉलेज से नाम कटवा दूंगा, समझे? ओए महबूब, तुझे पता है छुट्टी वाली घंटी कैसे बजे? पता है? अरे तुझे ना पता है? पता है मुझे। अरे तुझे नहीं पता? बजा जो ना बजाई? बजा जो कैसे बजे बता? टन टन टन। तो बजा क्या? जा। हम अपने कान बंद करके बैठे हैं। तुमने बजा गया तो ठीक है। अबे ये घंटी बजाने को बोला ना, मैंने तो बड़े बड़े घंटा घर बजा दिए, ये चीज ही क्या है? मेरा नाम है महबूब ठेका और ठेका लेके ठोकता हूँ मैं। कैसे? अरे कांता तुम? कमल मेरा भाई लेट आएगा, मुझे घर तक छोड़ दो। कांता मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। अभी पहनती हूँ। क्या हुआ? ठीक से बैठो ना। ठीक से ही तो बैठी हूँ। अरे ऐसे बैठो ना जैसे मैं चाहता हूँ। अब तो हो गया ना विश्वास? हो गया। जुम्मा जुम्मा 8 दिन में कॉलेज में आए हुए और बाइक पार्टनर भी बन गई। अरे तू बाइक पार्टनर की बात कर रही है? देखना यही हाल रहा तो एक दिन लाइफ पार्टनर भी बन जाएगी
और तू देखती रह जाए। मैं देखती हूँ कैसे बनती है। कपिल बाइक रोको। क्या हुआ? मेरा दुपट्टा फंस गया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। दुपट्टा तो क्या, तुम खुद को भी संभाल नहीं पा रही हो। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। पहले दुपट्टा तो निकाल दो। आई लव यू कमल, आई लव यू, आई लव यू। सच? सच कमल। आई लव यू कांता। कांता, काश तुम हीरोइन होती और मैं हीरो। क्यों, क्या मैं किसी हीरोइन से कम हूँ? अगर मैं चाहूँ ना तो एक दिन में हीरोइन बन जाऊंगी। बस बम्बई जाने की देर है और अच्छी अच्छी हीरोइन की छुट्टी कर दूंगी, हंगामा कर दूंगी। I'm not afraid to die.
भाई अब तक आया क्यों नहीं? भाई कुछ भी हो, मजा तो कमल ही ले रहा है पूरे कॉलेज में। एक ही खड़ी बेचारी दीवानी सी। ऐसा ही होता है मोहब्बत में। क्या खड़ी है? नमस्ते सर, कुछ नहीं सर। प्रमिला, तू यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही है? किसी का इंतजार कर रही हूँ। फिर आए नहीं वो? आ तो गया। अच्छा तो ये बात है, कांता कहाँ है? तुम्हें तो बहन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। क्यों भाई, उसे लाना ले जाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है तो निभाना सीखो। बहन को तो परवाह है नहीं, वो तो किसी के भी साथ बैठकर चल देती है, और तुम हो कि उल्लू बन जाते हो। पर आज का दिन तो दिखा है मुझे कामयाब हो गया लगा। तुम ऐसा कह सकते हो। चले कहीं? चलो आज अपने खेत दिखा के लाऊंगा तुझे। ओके। तो ये है तुम्हारे खेत? परमिला अब ये हमारे ही नहीं तुम्हारे भी खेत हैं। अच्छा परवीन ये बताओ ये फसल किस चीज की? परमिला ये गोभी की फसल है। गोभी? अरे गोभी ऐसी लगती है? ऐसे ही लगती है गोभी, मुझे तो आज ही पता चला है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? वैसे भी आज मेरे साथ मेरी सहेलियाँ थोड़े ना हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हें तुम्हारी सहेलियों के सामने ही कुछ भी कह देता था। I'm sorry. It's okay. परमिला मैं तुमसे शादी करके अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने घर की इज्जत। इज्जत? परवीन मैं उस घर की इज्जत कैसे बन सकती हूँ जिस घर की इज्जत पहले ही नीलाम हो रखी हूँ। अगर तुम मेरे क्लास फेलो ना रहे होते ना तो इस थप्पड़ का जवाब अब तक तुम्हें मिल गया होता। सच इतना ही कड़वा लगता है तो जाकर पूछो अपनी बहन से कि कल क्लास में डायरी में किसका दिल बनाया था। जिसकी उसे टीचर ने भी सजा दी थी, फिर भी यकीन नहीं आता तो घर जाकर देखो वो दुपट्टा दोनों की छीना झपटी में फटा था, समझे तुम? कौन है वो? बता मुझे कौन है वो? कमल। कमल? यो थारी लाडली है ना, यो थारी नाक ऐसी कटवाओगी एक दिन कि किसी को शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे। यू कॉलेज में पढ़ने जाया करे, क्या करने जाया करे? हैं? वहाँ इतनी बदनामी कर रखी इसने। बंद कर अपनी बकवास, बंद कर। शर्म नहीं आती अपनी बहन को बदनाम करते हुए, उस पर इल्जाम लगाते हुए? मैं जानता था पिताजी कि मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मेरे पास भी इस बात का पक्का सबूत है। क्या सबूत है तेरे जोरे? यही रुको, अभी तुम्हें सबूत दिखाऊंगा मैं। देखो, आर यू यकीन आया? अकब भी आंखों पे पट्टी बंध रही। एक बात सुन ले रे छोरे, जो तेरी यह बात गलत निकली ना तो मैं तुझे जान तक मार दे दूंगा। दांत नहीं काटूंगा मैं, गर्दन कलम कर दियो चाहे मेरी, अगर यू बात झूठ हो तो। माँ तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? ये सब झूठ है माँ। तैने तो
छाती काट के धरती रे छोरे, के करके मानेगा तू? झूठी सच्ची कहती तुझे शर्म ना आती? अच्छा झूठ है यू हैं? क्यों, कल तुझे मास्टर जी ने तेरी कॉपी में दिल बनाने की वजह से तुझे सारी क्लास के सामने शर्मिंदा करा था? झूठ है यू? तू कल कमल के साथ सारे दिन मोटरसाइकिल पर घूमती रही, यू भी झूठ है। और उसके साथ छीना जपटी में तेरे वो दुपट्टा फटा, यू भी झूठ है। एक बात सुन ले छोरी, जो आज के बाद मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर से बाहर कदम धर दिया ना, तो गदा से पोटी पोटी कर गिर जाते। आओ पिताजी। अरे छोरी, तैने यू अच्छा ना करा, तैने तो मेरी जान को लंबा खाड़ा जुड़वा दिया। अब देखिए, देख जन के होगा, देखिए तू। बाप, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो माँ। तुम माँ हो, तुम भी मुझे नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा माँ? तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। चुप हो जा कांता बहन, चुप हो जा। जो होना सा सो तो हो ही गया, किंतु चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो चुप हो जा मेरी बहन। माँ, कांता नू कह रही थी वो जो दुपट्टा था ना, वह छीना झपटी में ना फंसा, वो तो मोटरसाइकिल में फंस के फट गया था। यो बात अलग है कि वह कमल की मोटरसाइकिल पर बैठी जरूर थी। मैं न्यू कह रही, वह बैठी क्यों थी उसकी मोटरसाइकिल पे? छुट्टी जल्दी हो गई होगी और क्या करती, पैदल आती, बैठ गई होगी उसकी मोटरसाइकिल पे। मैं न्यू कह रही, प्रवीण को कैसे पता पड़ी इस बात की? हाँ, कमल ने उससे कही होगी कि जाके समझा दे, पर वो तो है मोटी बुद्धि, उसके तो समझ में आती नहीं कोई बात। यू तो लाली तो सही कह रही है, वह है बियॉन्ड दी बुद्धि का ही। भैया राम राम। राम राम। ठीक है तू? मैं तो ठीक हूँ, भाभी भी ठीक है? हाँ वह भी ठीक ठाक है, सबकी ने राम राम कह दिया। राम, मामा जी राम राम। अरे अपने मामा को कुर्सी दे दे। हाँ मामा जी, लो बैठो। मुझे बैठने का टाइम ना है, कांता को जल्दी भेजने की तैयारी कर। ये बात हो गई भैया, बैठो तो सही, बैठो तो, बात तो बताओ, बैठो तो सही। बात क्या बताऊं, तेरी भाभी ने कह दिया कांता भी जल्दी लेकर चले आ। पर भैया कांता की पढ़ाई का क्या होगा फिर? आज से उसकी पढ़ाई लिखाई बंद, हमें नहीं पढ़ाने उसको, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। एक खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ना देखे, जाके छोरी ने तैयार कर और बलराज की गेंद भेज। बलराज छोरी का ध्यान रखिए। चिंता मत करो रिश्तेदार। कमल क्या हुआ, आज कांता नहीं आई क्या? कांता आए ना आए तुम्हें इससे मतलब नहीं? मुझे तो कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ अगर एक कांता नहीं आई तो? दूसरी कांता तुम्हारे पास है ना कमल? परमिला मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यही कहोगे ना कमल? पर मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। लगी रहो लगी रहो, सुना है 12 साल में तो कुड़ी के दिन भी बाहर जाते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो कमल, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें परमिला या कांता दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। और हाँ, मेरा तो आखिरी दम भी तुम्हारी बाहों में निकलेगा, सुना तुमने? सिर्फ तुम्हारी बाहों में। मुझको
कांता रोटी खा ले बेटी, रखी रखी ठंडी हो जाएगी। नहीं मामी जी, मुझे भूख ना है। अजी अब तुम ही समझा दो से, रोटी छोड़ के क्या हासिल हो जाएगा? बेटा मेरे कहने से रोटी खा ले। खिलवा दे। कांता तू चिंता ना कर बेटी, अब तू अपने मामे के पास है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। कांता तू तो जानती है बेटी, तेरे मामा दिल के मरीज हैं। बेटी इसलिए कहती हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लियो कि तू अपने मामा के पास है। तुम चिंता मत करो मामी जी, जिसके लिए कदम बढ़ाए थे जब उसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। तुम्हारे बढ़ते कदम देख के तो लग रहा है कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब समझ में आया ना, घोड़ों के साथ गधे नहीं दौड़ सकते। गधा हूँ? हाँ हाँ जी हाँ। पर कोई बात नहीं, गधे बहुत काम की चीज होते हैं। हाँ हाँ बहुत काम की चीज होते हैं, सामान इधर से उधर और उधर से इधर करने में उन्हें बहुत मजा आता है। आजकल कुछ पढ़े लिखे गधे भी होते हैं जो पोस्टमैन का काम करते हैं, जैसे कि मैं। तुम्हें एक कांता का लेटर देने आया था, पर अब नहीं दूंगा। ओए कांता का लेटर, ओए रुक जा, ओए रुक जा मेरे बाप, रुक जा। जी जी नहीं बोलूंगा। जी 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 काम नहीं चलेगा, उठक बैठक लगानी पड़ेगी। अरे नहीं यार, एक दो। अब समझ आया, सभी गधे एक जैसे नहीं होते। नहीं होते, कुछ प्यार भी गधे भी होते। हाँ हाँ होते हैं, कभी कभी उन्हें मजबूरी में बाप भी बनाना पड़ता। हाँ हाँ बाप, मेरे बाप। तुम पढ़ो मैं चला। वीआईपी गधा। ब्याह की चिट्ठी, तुम ही बताओ ना परवीन, क्या लिखा है इसमें? इसमें हम दोनों के रिश्ते की डोर है, जिसमें हम दोनों को विवाह के बंधन में बंधना है। पंडित जी कह रहे थे कि जन्म पत्री के हिसाब से कल का दिन बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ठंडा लोगे या गर्म? बस अब तो जिस चीज की तमन्ना है वो मिल जाए। मिल जाएगी मिल जाएगी, जल्दी किस बात की है। देखो परवीन, कांता को मामा के यहाँ भेजने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। और हाँ, फिर अगर हम बहनों से पहले शादी कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे लो जवान बहनों के होते हुए भाई ने शादी कर ली। तो परवीन पहले हम कांता की शादी करेंगे और फिर अपनी, सोचो और फिर बताओ। और रही बात मेरी, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ, जब जी चाहे आवाज लगा लेना, बंदा हाजिर। सच कुर्मिला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने समझदार हो। होना ही पड़ता है, क्योंकि मामला चाहत का है। सिर्फ चाहत का ही नहीं, भरोसे का भी होता है, लेकिन तुमने तुमने तो सब पर पानी फेर दिया। कमल, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो कम से कम हमारे प्यार के बारे में मेरे भाई को तो ना बताया होता। मैं तो तुम्हारी सादगी पर पड़ निकली थी, पर मुझे क्या पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो और इतनी घटिया हरकत करोगे। कमल एक बात बिल्कुल सच बताना, क्या मेरा दुपट्टा तुम्हारे साथ जबरदस्ती में फटा था या तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी? गलती मेरी है कमल, मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मुझे क्या पता था। मैंने सोचा था कि तुम एक नेक इंसान हो, तुमने तुमने तो मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों खाक में मिला दिया। मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा के मेरे मामा जी के यहाँ भेज दिया है। मेरे उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले मेरा कैरियर बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कमल कि मैंने अपनी नोटबुक पर एक दिल बनाकर उस पर तुम्हारा नाम लिखने की सोची थी, पर तुमने तुमने तो मेरा ही दिल तोड़ दिया कमल, तुमने तो मेरा ही दिल तोड़ दिया।
एक टूटा हुआ दिल तुमसे बार बार दुहाई कर रहा है कमल कि कभी किसी लड़की के साथ प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि प्यार प्यार तो सिर्फ किस्मत से किस्मत वालों को मिलता है। I hate you, Kamal. I hate you. I hate you. I hate you. नहीं कांता, नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे माफ कर दो कांता, मैं निर्दोष हूं कांता। जितना प्यार तुमने मुझसे किया है मैंने भी तुमसे उतना ही प्यार किया है, पर जिसने भी हरकत करी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना छोड़े तो ना कर दे फिकर रास्ते से, ना रहेगा वहां तो ना बचेगी बांसुरी। चिंता मत माने मार क्यों भी हो जाएगा, वैसे भी हमारे पीछे हाथ धो के नहीं पूरा नहा धो के पड़ा हुआ है। ऐसे ज्यादा ना बोले, आज के दिन से बहुत गंदा कतर चल रही है। छोड़ दे मारे दूसरे, तू तो ना आप खराब थी। देख ले तू भी देख ले इसको, हैं ये हाथ कर रही हूँ छोड़ियो की जल, हैं यही होंगे ना धमके तेरा, हैं आग लग जाए कि जवान नहीं पेट की। करके बता रहा पैमान लेना यू हाथी। करके मैं ना बैठूं, करके ये बैठेंगी। गांव में कुछ लिकड़ना भारी हो रहा, कान पहुंच कर लिकड़ना पड़े शर्म के मारे। तुझसे ही सब कहने लगना, हमसे कौन ना करता। कहवेगा कहते, हमने तो आँख और कान दोनों बंद कर रखे हैं। अरे मैं नू पूछूं, के चाहवे तू, तू के चाहवे। मैं नू चाहूं राड क्यों नहीं काट देते इनकी, और के पट की तरफ उठेंगे इनमें तो बैंड राइट ना हो रही है। छोरियों की पढ़ाई छुड़वाते क्यों, मेरी ना छुड़वा दीजिए है इस खेती बाड़ी के चक्कर में, यही कमाई खुआ के देंगी तेरे। कमाई तो तू भी ना खवारा नन्ना, दूसरे हमें तेरे भी यक्कन दूध के पाव का पाली में ही नजर आ जावे। आ जावे है ना, तो इन्हीं की कमाई खा लिए। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के। तेरे में ज्यादा हंगा आया, कहने नहीं बात कर जाती, और तू भी घरे रोकने के बाद बदला करा कर मेरी जान कानता है। कमल मेरे दिल की धड़कन।